तो देखिए कितना गजब लग रहा है देखने में फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से ये है। तो अगर आप इसे लगा करके, ये तो मैं कैमरे में से बहुत ही पास से बना रहा हूँ, अगर आप इसे थोड़ा दूर से देखेंगे मतलब कि, तो बहुत ही अच्छा लगेगा अगर आप इसे। फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स आज आपको हम कुछ नया सिखाने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं जो दिल बना हुआ है इसमें मैंने लाइट लगाई है। तो पिक्सल झालर का कुछ मैं नया आपको इसमें बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज मैं आपको इस पिक्सल झालर से लड़ी से आपको एक दिल वाली लाइट बताने वाला हूं, और जो कि बहुत ही गजब देखने में लगने वाली है। लोग देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे, तो इतनी अच्छी ये लाइट है। तो दोस्तों मैं आपको इसे बनाना बताऊंगा, कैसे बनाना है सब कुछ मैं आपको इस वीडियो जरिए बताने वाला हूँ। तो आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों ये देखिए इस तरीके से है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, इसमें ये एक काम्बो है जो इसे इसमें SMPS और इसका ड्राइवर होता है, मतलब IC पड़ी हुई होती है जो इसमें कंट्रोलिंग करती है, माइक्रो IC, इसे कॉम्बो बोलते हैं। और इसमें देखिए इसका जैक लगा हुआ है, इधर से इनपुट हुआ है और इधर से ये देखिए SMPS चलाने के लिए भी वायर इसमें लगे हुए हैं। तो इस पिक्सल बेल्ट को मैंने, मतलब कोई बेल्ट नहीं है सॉरी, ये झालर है, लड़ी है पिक्सल की। तो मैंने इसको इस तरीके से लोहे की पत्ती में, इसको बहुत ही पुरानी पत्ती, मेरे यहाँ जो पत्ती है बहुत ही पुरानी पत्ती हमारे पास रखी हुई थी, तो पहले बहुत ही काम करते थे हम, मतलब हम लोग इसको मतलब लगाते थे, तो वही इसकी पत्ती है। तो बहुत दिनों से पड़ी थी, आज मैंने इसको निकाला और इसमें देखिए मैंने इसे थोड़ा सा यहाँ पे जंग से वजह से यहाँ से थोड़ा सा डैमेज भी हुई है, इसको हम थोड़ा सही कर देंगे और बाकी तो ये फिट है, पूरी टनाटन है। तो फ्रेंड्स इसमें अब आप देख पा रहे हैं, इसमें मैंने इस तरीके से पिक्सल को इस तरीके से चार चार उंगली के गैप में इसे लगा दिया है। इस तरीके से आप थोड़ा सा डिस्टेंस भी कर सकते हैं, मेरी ये बड़ी पड़ रही थी ये पिक्सल झालर पूरी, तो मैंने इसमें गैप कम कर दिया, जिससे गैप कम कर देंगे थोड़ा अच्छी भी लगने लगेगी। तो आपको यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ पे लाना है, और उसके बाद यहाँ पे मैंने इसे थोड़ा मोड़ दिया था जहाँ पे इसे शेप पूरा बन सके, और उसके बाद मैंने इधर से यहाँ तक इसे यहाँ पे एंड कर दिया। और आप इसी हिसाब से अपने हिसाब से इस पत्ती को ख़रीद भी सकते हैं और अपने हाथ आप बना भी सकते हैं। अगर आपके घर में पत्ती ऐसी पड़ी हुई है तो बना सकते हैं, नहीं तो लोहे की दुकान में जाकर के हार्डवेयर में आप इसे ख़रीद सकते हैं। और यहाँ पे मैंने देखी दो यहाँ पे, एक यहाँ पे स्क्रू मतलब सॉरी नट बोल्ट, और एक यहाँ पे नट बोल्ट लगा के इसे पूरा फिक्स कर दिया है। और टाई की हेल्प से मैंने इसे पूरा हर एक बल्ब में हर एक 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 टाई लगा दी है, और 50 पत्ती की ये पिक्सल है। तो फ्रेंड्स आइए अब हम आपको इसे जला के दिखाने वाले हैं, जो कि इसका लुक बहुत ही अच्छा होने वाला है। तो जलने में कैसे लगेगी, तो आइए, अभी तो धूप है तो अभी हम कमरे में इसे जला के देखेंगे, तो आइए आपको दिखाते हैं। फ्रेंड इस तरीके से मैंने गेट को बंद कर दिया है थोड़ा सा इसमें अंधेरा करने के लिए, जिससे कि ये हमें बराबर दिखाई दे, ये बाहर भी दिखाई देता मगर अंधेरे में इसे चलाने में ज़्यादा ही अच्छा इसका लुक आता है। और इसमें आप देख पाए मैंने इसे बोर्ड में कनेक्ट कर दिया है, और अब हम ये स्विच को करेंगे ऑन। और हाँ एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, इसमें बनाने के बाद आपको इसमें एक रॉड इसमें बीच में लगानी है, अभी मैं लगाऊंगा सीधी ऐसे, जिसमें कि जिसमें और उसमें बना बांध करके इसे हम कहीं बांध सकें, मतलब ग्रिल में लगा सकें, नहीं तो ऐसे ये थोड़ा सा लोच खाएगा क्योंकि बहुत ही बड़ा बना हुआ है। तो देखिए फ्रेंड्स अब हम स्विच को करते हैं यहाँ से ऑन, तो मैंने कर दिया ऑन। तो देखिए कितना गजब लग रहा है देखने में फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से ये है। तो अगर आप इसे लगा करके, ये तो मैं कैमरे में से बहुत ही पास से बना रहा हूँ, अगर आप इसे थोड़ा दूर से देखेंगे मतलब कि, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आप इसे छत पर टेरेस पे लगाते हैं और दूर से देखते हैं तो बहुत ही गजब इसका लुक आने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा लुक लग रहा है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आप इसे देखने के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, आपको ये जो मैंने बनाई ये पसंद ज़रूर आया होगा। तो देखिए इस तरीके से पंखे जैसी चाल रही हैं, इसमें चल रही हैं। तो दिवाली तक मैं और भी आपको इसमें, मतलब आपको नए नए आइटम इसी तरीके से बना बना के दिखाने वाला हूँ। तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है देखने में फ्रेंड्स। तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आपका एक लाइक व सब्सक्राइब भी मेरी मेहनत का फल होता है। और आप जो है जितना ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे उतना ज़्यादा ये मतलब सब तक मेरी जो हाथ की कलाकारी है ये सब तक पहुँच पाएगी और सब लोग इसे देख पाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से इसमें इतनी ज़्यादा इसमें मतलब कि रनिंग वाली चालें हैं,
प्रोग्रामिंग है कि आप जो है देखते देखते थक जाएंगे, लेकिन इसकी जो इसकी चाल है, रनिंग है, वो कम नहीं पड़ने वाली। तो देखिए इतनी देर में ही कितनी सारी इसमें जो है रनिंगे चालू हो चुकी हैं। देखिए हर कलर है इस पर, सातों कलर हैं इस पर। तो फ्रेंड्स कितना गजब लग रहा है देखने में, आप देख पा रहे हैं, ये देखिए फ्रेंड्स कितना गजब लग रहा है देखने में। ये देखिए इस तरीके से भक्ति हुई जाएगी और इधर भी फिक्स होती चली जाएगी, तो बहुत ही गजब है इसका लुक। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं वे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर जरूर करेंगे। तो थैंक यू, तो मिलते हैं वे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ।